सीट्स जोड़नी शुरू कर दीजिए जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। कैलकुलेटर क्या उठाना, अब तो आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है ना, अब इतनी देर में आप लोग अपना मोबाइल के कैलकुलेटर पर जाइए, मैं एक तरफ से बोलता रहूँगा और टोटल करते रहिए। इतना बता दूँ, इंडिया एयरलाइंस को चौतरफा फायदा हो रहा है। केरला इंडिया एयरलाइंस 18 सीट, तमिलनाडु इंडिया एयरलाइंस 36 सीट, कर्नाटका इंडिया एयरलाइंस 8 सीट, तेलंगाना कांग्रेस ही यहां पर मान लें जिसको इंडिया एयरलाइंस बोल दें पर बीएसआर इंडी के साथ नहीं है, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे, 6 या 7 सीट, असम इंडिया एयरलाइंस 5 सीट, वेस्ट बंगाल इंडिया एयरलाइंस 2 सीट क्योंकि अभी मैं टीएमसी को जोड़ के नहीं चल रहा, बिहार इंडिया एयरलाइंस 8 या 9 सीट, ओडिशा इंडिया एयरलाइंस 2 सीट, छत्तीसगढ़ इंडिया एयरलाइंस 3 सीट, उत्तर प्रदेश इंडिया एयरलाइंस 22 सीट, गुजरात इंडिया एयरलाइंस 0, राजस्थान इंडिया एयरलाइंस 3, मध्य प्रदेश इंडिया एयरलाइंस 3, उत्तराखंड इंडिया एयरलाइंस 2, महाराष्ट्र इंडिया एयरलाइंस 24, हरियाणा इंडिया एयरलाइंस 6, दिल्ली इंडिया एयरलाइंस 1, पंजाब इंडिया एयरलाइंस 9, हिमाचल इंडिया एयरलाइंस 1, झारखंड इंडिया एयरलाइंस 5, गोवा इंडिया एयरलाइंस 1, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया एयरलाइंस 2, मेघालय मिजोरम त्रिपुरा वगैरह आसाम से जब हम ऊपर जाते हैं इंडिया एयरलाइंस 5। टोटल कर ये आता है लगभग 175 सीट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था इंडिया एयरलाइंस को सिवाय गुजरात के हर जगह जो मैंने सीटें बताई हैं चौतरफा फायदा हो रहा है। YSRCP जो ना फिलहाल एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया एयरलाइंस का हिस्सा है 18, TMC जो फिलहाल ना इंडिया एयरलाइंस का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि मैं जीतने के पश्चात अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सपोर्ट करूंगी इंडिया एयरलाइंस को 18। BJD, मुझे ये लगता था कि BJD शर्तिया इस चुनाव के बाद NDA में शामिल होगी लेकिन जिस तरह का एक्रीमोनियस, जिस तरह का तेज तर्रार और भीषण चुनाव ओडिशा में लड़ा जा रहा है थोड़ा मेरे दिमाग में फिलहाल प्रश्न चिन्ह आ गया है कि नवीन बाबू क्या NDA का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा अकाली 5 सीट और BSR और AIMIM 4 या 5 सीट। इंडिया एयरलाइंस की मैंने आपको कितनी सीट बताई थी, 175 सीट इंडिया एयरलाइंस की, नोट कर लीजिए। उसके बाद ये मान के कि YSRCP चुनाव के बाद इंडिया एयरलाइंस का हिस्सा बन जाएगा मान के, तो इसमें आप जमा कर दीजिए 18, तो ये हो गई 193 सीट इंडिया एयरलाइंस की। इसमें आप TMC की 18 सीट जमा कर दीजिए तो ये हो गई 211 सीट। इसके बाद आप BSR यानी चंद्रशेखर और AIMIM की 4 सीट इसमें अगर आप ऐड कर दें तो ये बढ़ के हो जाती हैं 215 सीट। यानी इंडी अलायंस की जो साफ साफ जो अलायंस ऑलरेडी हो चुका है उसकी सीट्स मेरे हिसाब से चौतरफा फायदे के बाद इंडी अलायंस की आ रही हैं 175। जो लोग इंडी और NDA का हिस्सा नहीं है, YSRCP, TMC, BJD, अकाली, BSR और AIMIM, इसमें सिर्फ अकाली को अगर हम छोड़ दें, YSRCP 18 लेकर, TMC 18 लेकर और BSR 4 लेकर अगर इंडी अलायंस में शामिल हो जाता है तो इंडिया अलायंस को चौतरफा फायदा। उस चौतरफा फायदा के बाद इंडिया अलायंस पहुंच रही है 215। अब हम देखते हैं कि इस देश में टोटल सीट्स कितनी हैं। टोटल सीट्स हम मोटा मोटा मान के चलते हैं 540, 41-42 हम 540 पकड़ के चल रहे हैं। हमने इसमें से माइनस कर दिया 215 इंडिया अलायंस के चौतरफा फायदे के बाद, लहर है इंडिया अलायंस की, तो सीट बच रही हैं 325। अरे बाबा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो कैलकुलेशन ही बिगड़ गया।
कि तो एनडीए की 325 सीट आ रही है मेरे हिसाब से, और बीजेपी की 295 या 300। अच्छा, मैं सोच रहा था इंडिया अलायंस की लहर है, ये कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हो रही? अच्छा, ज़रा फिर से जोड़ के देखो आप लोग, इंडिया अलायंस की 175 आ रही हैं, वाईएसआर की 18 जोड़ी, टीएमसी की भी 18 जोड़ी, बीजेडी की भी 8 जोड़ दी, और बीएसआर की भी 4 जोड़ दी, तब भी यार इंडिया अलायंस 215 ही पहुँच रहा है। इंडिया अलायंस नहीं, इंडी तो 175 पहुँच रहा है, ये बाकी जोड़ने के बाद 215 पहुँच रहे हैं, 175। अच्छा, मुझे तो लहर लग रही थी जब मैं जोड़ रहा था यार इसको, लोगों से बात कर रहा था। तो ऑन द सेफर साइड, लहर के बावजूद इंडिया अलायंस पहुंच रहा है 175, बाकी सबको जोड़ ले तो पहुंच रहा है 215, और एनडीए पहुंच रहा है 325। इंडी अलायंस हर जगह गेन कर रही है, और इंडी अलायंस का जो फाइनल स्कोर है मेरे हिसाब से वो है चौ तरफा गेन करने के बाद 175 सीट, और नॉन इंडी और नॉन एनडीए सारे अगर जुड़ जाएं तो ये पहुंच रहे हैं मैजिकल फिगर 200 पार कर रहे हैं, 215 पहुंच रहे हैं। इस हवा के चौतरफा गेन मैजिकल फिगर के बावजूद एनडीए की लगभग 320 से 340 सीटें आ रही हैं, और बीजेपी लगभग मेरे हिसाब से 300 का आंकड़ा टच कर रही है।